फास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी राणा। जबलपुर के गुरंदी बाजार में देर रात लगी भीषण आग ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया। रात करीब 11 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से टायर की एक दुकान में भीषण आग लगी, जिसके बाद आसपास की करीब आधा दर्जन दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द आग बुझाने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 8 दमकल वाहनों और 6 टैंकरों की मदद से देर रात 1:30 बजे आग पर काबू पाया गया। इस अग्नि हादसे में लाखों का नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। जिस दुकान में आग लगी है वह किसी जिलाउद्दीन की बताई जा रही है। कनीना के छित्रोली गाँव में 7 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक नायक पवन कुमार 7 कुमाऊं रेजिमेंट के बिन्नुगढ़ी में नायक के पद पर कार्यरत था। कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी गिरधर गोपाल ने बताया कि नायक पवन अपनी बटालियन में बिन्नुगढ़ी जा रहा था। जाते समय ट्रेन में उसकी हृदय गति रुक जाने की वजह से उसका निधन हो गया। आज उसके पार्थिव शरीर को इनके पैतृक गाँव छित्रोली लाया गया, जहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एम्बुलेंस और कार की जबरदस्त टक्कर में एक महिला सहित कार के चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तीनों घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया। डॉक्टरों ने 3 घायलों की हालत चिंताजनक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर थाना क्षेत्र के बिजनौर मुरादाबाद हाईवे मार्ग का है, जहां एम्बुलेंस और कार की जबरदस्त टक्कर में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मेरठ रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में विरोध करने पर एक बच्चे की गर्दन काट दी गई और उसे भूसे के बोरे में डाल दिया गया। वहीं बच्चे को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की।